चार दिन का मानसून सत्र दो दिन में ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। मात्र तीन घंटे के सत्र में महंगाई और ओबीसी आरक्षण पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर ओबीसी आरक्षण को लेकर आरोप लगाए। विधानसभा में हंगामे के बीच 4487 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट और सभी विधेयक पारित कर दिए गए। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे ही दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। प्रश्नकाल के दौरान ही ओबीसी आरक्षण और महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन में विपक्षी दल ओबीसी आरक्षण और महंगाई के एप्रन पहनकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर मुद्दों को लेकर आरोप लगाए। वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने महंगाई के लिए कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि जो जवाब हमसे मांगे जा रहे हैं उनके जवाब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को देना चाहिए। ओबीसी आरक्षण पर लगी याचिका के समय उन्होंने क्या किया? शिवराज ने कहा, कमलनाथ ओबीसी आरक्षण केस को लेकर एडवोकेट जनरल को कोर्ट में खड़ा करते, देश के बड़े वकीलों को इसके लिए बुलाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और केस में स्टे हो गया। कमलनाथ ने पिछड़े वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा है। कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी है। कांग्रेस पाखंड कर रही है। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस पाखंड कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के अभियान में लगी हुई है। कल उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, हमारे आदिवासी अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर, और आज उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, पाखंड फैलाने की कोशिश की, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के बारे में। आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज 27% के लिए एप्रिन पहन के आ गए आरक्षण के लिए? कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे, इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। 8/3/2019 को ये 14-27% आरक्षण का प्रावधान लेकर आए। 10 तारीख को उसके खिलाफ याचिका प्रस्तुत हुई और 19 तारीख को हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा, शुरुआत आपने की है, 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए 10 से लेकर 19 तारीख तक आपने क्या किया? जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया, कौन से कदम उठाए कि इससे ना हो? आठ को पट्टी बांध के बैठे रहे, क्योंकि आप खुद चाहते थे कि ये तो इससे हो गई। और एक बात का जवाब और देना पड़ेगा पूरी कांग्रेस को और कमलनाथ जी को, 19 तारीख के अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में कम से कम एडवोकेट जनरल को तो खड़ा करते, देश के प्रख्यात वकीलों को लाते, स्टे ना मिले आरक्षण लागू हो जाए इसकी कोशिश करते, लेकिन इनका एडवोकेट जनरल तो खड़ा नहीं हुआ। आसानी से स्टे होने दिया, क्योंकि ये लाए इसलिए थे कि स्टे होना है, स्टे कराने का षड्यंत्र किया कमलनाथ आपने, ये पाप किया पूरी कांग्रेस ने और आज नौटंकी कर रहे हो। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि आज पूरा देश और प्रदेश महंगाई की मार झेल रहा है, हमने इस पर प्रस्ताव दिया है कि
इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए। कमलनाथ ने कहा, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है, ओबीसी आरक्षण न लागू होने के लिए शिवराज सरकार जिम्मेदार है। प्रजातंत्र की जो नींव है, हमारा संसद, हमारी विधानसभाएं, बड़ी दुख की बात है कि जिस प्रकार हमारे प्रजातंत्र का इस स्तर में खिलवाड़ किया गया है। कल शुरू हुई थी विधानसभा और आदिवासी समाज में रोष था। हमारे जो 2.25 करोड़ आदिवासी हैं, जो हमने छुट्टी डिक्लेयर करी थी, हर ब्लॉक को पैसा भेजते थे ये त्योहार अपना मनाए, मैंने श्रद्धांजलि अर्पित करी आदिवासी दिवस को कि इन्होंने आदिवासी दिवस की जो छुट्टी थी, जो पैसा दिया था, समाप्त कर दिया था। इसको स्वीकार करने की जगह मैंने तो कहा था, मैंने उनसे निवेदन किया था, आप फिर से इसे लागू कर दीजिए। श्रद्धांजलि के बाद विधानसभा स्थगित हुई। आज विधानसभा शुरू हुई और महंगाई पर जब प्रश्न उठा, हमने प्रस्ताव मूव किए थे, स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, हमारी चर्चा ऑल पार्टी मीटिंग में हुई थी कि जो हमारे स्थगन प्रस्ताव हैं उसमें से आप एक को स्वीकार कर लीजिए। हमने 139 में कई प्रस्ताव रखे थे, उसमें से आप बता दीजिए 3-4 आप स्वीकार करेंगे। हमने ध्यान आकर्षण के लिए रखे थे, हमने कहा आप बता दीजिए आप कितने रखेंगे, कुछ बताने को तैयार नहीं, क्योंकि इनकी जो दबाने और छिपाने की रणनीति है हर क्षेत्र में, कोविड हो आंकड़े दबा दो, आज महंगाई पर जिस प्रकार का जवाब दिया पेट्रोल डीजल पर, तो मैंने कहा कि हमें जो हमारा स्थगन प्रस्ताव है महंगाई पर, जहां हर व्यक्ति इससे प्रभावित है, हर व्यक्ति सदन में बैठा हुआ सदन के बाहर इससे प्रभावित है, आप हमारी महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लो। स्वीकार करने को नहीं तैयार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।